अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल गोश्त, जिसको दालचा भी बोलते हैं। तुअर और मसूर की दाल हमने एक कटोरी भिगो कर रखी है धोकर। ये डालेंगे हम कुकर में। एक चम्मच तेल डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर डालेंगे। हरे मसाले में हम 6 से 7 हरी मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया और 4 से 5 टमाटर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, 2 गिलास के लगभग पानी डालेंगे। और इसको कुकर लगा के ढक्कन लगा के सीटी लेंगे। जब तक हमारी दाल गल रही है, हम दूसरे मसाले बनाएंगे। गोश्त लिया है हमने 1/2 किलो, इसको उबाल के रख लिया था। दूध दिया है जिसको हमने काट के धो लिया है। तो आइए देखते हैं दालचा कैसे बनता है। 10 से 15 मिनट बाद दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, इसको घोटने की भी ज़रूरत नहीं है, अच्छी गल गई। और इसमें हम दूध दिया डालेंगे, जो हमने धोकर काट के साफ करके रखा था। इसको भी हम 5 मिनट के लिए 1 सीटी में गला लेंगे। और फिर इसका हम बघार देंगे। दूधिया हमारा अच्छे से गल चुका है, इसको अब हम बघार देंगे। तो ये हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ धनिया, कड़ी पत्ता, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जीरा हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम गोश्त डालेंगे। अच्छे से पकने देंगे। फिर इसमें हम गली हुई दाल और दुधिया डालेंगे। गोश्त हमारा मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम दाल और दुधिया डालेंगे। दाल और दुधिया हमने इसमें डाल दिया है। इसको हम जोश आने देंगे। दालचा हमारा अच्छे से जोश आ चुका है और तैयार भी हो गया है। देखिए कितने अच्छे से गल चुका है दुधिया। आप भी ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।